जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश नाकाम, आईईडी बरामद। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरदार रोड के गुरदार चाला गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद पूरे इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान सड़क के किनारे संदिग्ध वस्तु पड़ी मिली, जो जांच के दौरान आईईडी निकली। अमरनाथ यात्रा 2022 को लेकर यात्रियों के वाहनों पर लगेंगे ट्रैकिंग चिप, उच्च स्तरीय बैठक में बनी रणनीति। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव व आईबी के निदेशक ने उच्च स्तरीय बैठक में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। शानदार उपलब्धि, किशोरों को कोरोना का टीका लगाने में जम्मू कश्मीर देश भर में दूसरे स्थान पर। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 से 18 उम्र के आयु वर्ग के किशोरों को कोरोना टीकाकरण के मामले में जम्मू कश्मीर ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के एक सप्ताह पहले ही पूरा हो जाएगा सोलर पावर प्लांट। पलेगांव में सांसद ने लिया जायजा। बता दें कि सांसद जुगल किशोर शर्मा के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने पंचायत पल्ली का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। आज से जम्मू में गर्म हवा चलने के आसार, 19 को हो सकती है बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने जम्मू में 16 से 18 अप्रैल तक गर्म हवा चलने के आसार जताए हैं। हालांकि 19 को कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना भी जताई। बीआरओ महानिदेशक बोले, लद्दाख की सड़क परियोजनाओं के लिए कार्यबल बनाएगा सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने शुक्रवार को बताया कि लद्दाख में विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बीआरओ नई सड़क निर्माण कंपनी इकाई की स्थापना करेगा। मोरबी में 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण, पीएम मोदी बोले, हनुमान जी एक भारत एक श्रेष्ठ के अहम सूत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हनुमान जन्म महोत्सव के मौके पर गुजरात के मोरबी में रामभक्त के 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने स्वभाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है।